अगर इन कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सी यू टी दो हजार चौबीस का फॉर्म फिल करना होगा ये आपके लिए कम्पल्सरी है और ना आपका जामिया में एडमिशन नहीं होगा एमयू के कोर्सेज में अगर एमयू में आपको एडमिशन लेना है और आपको इनमें से कोई कोर्स करना है सी यू टी के अंडर में जितने कोर्सेज आपको उस कोर्स में एडमिशन लेना है तो दोनों फॉर्म आपको फिल करना जरूरी है डी यू के सारे कोर्सेज जितने भी हैं डी यू के कोर्सेज सब सी यू टी के अंडर में आते हैं यानी आपको याद रखना पड़ेगा और फिर इसका पर्सनल फॉर्म डी यू का अपना पर्सनल फॉर्म आएगा उसको भी फिल करना होगा यानी आपके इधर भी पैसे जाएंगे और पैसे जाएंगे तो ये बात याद रखना होगा आपको हेलो फ्रेंड्स आई होप आप सब ठीक होंगे जामिया मिल्ला इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ डेली और, और जे में कितने कोर्सेज कितने के अंडर में है ये मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले जान लेते हैं जामिया में कितने कोर्सेज है और आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो सूटी का फॉर्म फिल करना होगा तो कौन से कोर्सेज है वो देख लेते हैं आपको अगर दो में जामिया मिल्ला इस्लामिया से एडमिशन लेना है यूजी के कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आपकी स्क्रीन पर आ हो गई ये कोर्सेज है हिंदी संस्कृत फ्रेंच ऑनर्स स्पेश तीन साल का कोर्स होगा लैंग्वेज का भी बे ऑनर्स इकोनॉमिक्स बे ऑनर्स हिस्ट्री बी एस सी बायोटेक सोलर एनर्जीएस फिजिक्स ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बी एस सी ऑनर्स केमिस्ट्री बेसी ऑनर्स अपलाइड मैथमेटिक्स बी ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज बे ऑनर्स पर्शियन बे ऑनर्स उर्दू अगर इन कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सी यू टी दो हजार चौबीस का फॉर्म फिल करना होगा ये आपके लिए कंपल्सरी है और ना आपका जामिया में एडमिशन नहीं होगा इनके अलावा किसी कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है तो जामिया के ऑफिशियल फॉर्म जो है उसको आप फिल करेंगे जो मार्च अप्रैल तक में फॉर्म आ जाता है उसी टाइम पे आएगा लेकिन इन कोर्सेज की जो लिस्ट है आपके सामने है, इसको याद रखें इनमें से कोई ऐसी भी कोर्स अगर आपको करना है तो आपको सी का फॉर्म भी फिल करना होगा जामिया का अपना फॉर्म भी फिल करना होगा कम्पल्सरी है दोनों फॉर्म को फिल करना नहीं तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे न जामिया में ना और किसी यूनिवर्सिटी में जो इसके अंडर में कोर्सेज करवाती है ये जिन कोर्सेज को सी हैंडल करता है ये आपके जामिया के कोर्सेज है एमयू कोर्सेज की बात करे एमयू के कोर्सेज में अगर एमयू में आपको एडमिशन लेना है और आपको इनमें से कोई कोर्स करना है जिसमें बी वो तीन कोर्स हैं, बी ऑनर्स में

करना होगा यानी या आपके इधर भी पैसे जाएंगे और उधर भी पैसे जाएंगे तो ये बात याद रखना होगा आपको आपको दोनों तरफ फॉर्म करना होगा तभी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं आपनी में बाकी इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा अगर तो आपको उसके बारे में जानना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको एडमिशन लेते वक्त कोई दिक्कत ना हो इसी तरह जेएनयू में जिन बच्चों का एडमिशन लेना होता है यूजी वो भी सीओ टी के अंडर में ही है जे कोर्सेज आप देख सकते हैं पश्तो है लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं बैचलर में पर्शियन अरेबिक ऑनर्स जैपनीस बी ऑनर्स कोरियन बे ऑनर्स ऑनर्स फ्रेंच बी ऑनर्स जर्मन बी ऑनर्स स्पेनिश बी एस सी सी इंटीग्रेटेड कोर्स है आयुर्वेदा बायोलॉजी में बी ऑनर्स रशियन है सर्टिफिकेट प्रोग्राम है इनका मंगोलियम में माशा इंडोनेशिया में सर्टिफिकेट प्रोग्राम उर्दू में एक साल का होता है संस्कृत कम्पटिशनल लिंग्विस्टिक्स योगा फिलसफी वेटिकल्चर और संस्कृत इनमें सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं अगर किसी को जे में भी बैचलर में एडमिशन लेना है तो वो लोग का फॉर्म करेंगे में जे का जो अपना फॉर्म आएगा उसे भी फिल करेंगे तभी आप जे में एडमिशन ले पाएंगे उसी तरफ दो में इस के अंडर में जितने कोर्सेज या जे एन या एमयू में फेर बदल होते हैं या फिर बढ़ते हैं कम तो नहीं होंगे बढ़ेंगे अगर कुछ कोर्सेज बढ़ते हैं तो मैं उसकी भी वीडियो आपके सामने ले आऊंगा और आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है फॉर्म सेट करते वक्त सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा ताकि आपका फॉर्म वन ना हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत अहम इशू है तो इसका ध्यान रखेंगे ऐसी और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक करें